आज हम हमारे 10वीं कक्षा का नया व्याकरण का पाठ सीखने जा रहे हैं, जो है पदबंध। ग्रामर में हमने बच्चों शुरू में ही सीखा है कि शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। इसी शब्द और पद से संबंधित है पदबंध। फिर भी हम सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो उसे शब्द कहलाते हैं। यह तो हमने देखा। अब पद देखते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर व्याकरणिक नियमों में बंद होता है, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, काल, कारक, लिंग से, तब वह शब्द नहीं पद कहलाता है। बच्चों, जैसे कि हमने देखा है कि जो स्वतंत्र शब्द होता है, वही शब्द जब हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उससे पद कहलाते हैं। तो उसी तरह से उसकी और एक व्याख्या बन जाती है। जब कोई सार्थक शब्द किसी वाक्य में व्याकरणिक इकाई के रूप में बन जाते हैं, तो उस वाक्य का प्रत्येक शब्द पद बन जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि व्याकरणिक इकाई यानी यहाँ पर जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, काल, कारक आदि से वो बन जाता है। तो इस तरह से शब्द और पद को तो हमने पहले देखा ही। अब हम देखते हैं पदबंध क्या है। बच्चों, जब एक से अधिक पद सामूहिक रूप में किसी एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तो उस बंधी इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था बच्चों कि शब्द है, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त करने पर पद बन जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा था कि पद के भेद को भी हमने देखा था कि पद के भेद कौन से हैं। तो संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रिया का पद और क्रिया विशेषण पद। तो इसी तरह से ये जो एक पद है उसी एक पद का काम अनेक पद मिलकर यानी अनेक शब्द मिलकर जब एक ही इकाई का काम करते हैं यानी संज्ञा पद का काम कर रहे हैं, तो उस सामूहिक यानी उस समूह को कहते हैं पदबंध। अब यहाँ पर हम उदाहरण ही देखते हैं। जैसे कि लड़का, यह एक स्वतंत्र शब्द है। यह तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पर लड़का यह एक स्वतंत्र शब्द है। लड़का रो रहा है, इसमें लड़का वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। जो ऊपर एक ही शब्द था लड़का, वह उससे हमने वाक्य बना दिया। और लड़का रो रहा है, इस तरह से वाक्य बनाने पर जो लड़का शब्द है, अब वह शब्द न रहकर पद बन गया है, क्योंकि वह वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। इसलिए यह लड़का शब्द न रहकर पद बन गया। और ये जो लड़का है, यह लड़का इस वाक्य में कर्ता का काम कर रहा है। अब देखो, यह कर्ता जो है वो लड़का, यह संज्ञा शब्द है, तो उसे हम पदबंध में कैसे करेंगे? हमारे पड़ोस में रहने वाला लड़का रो रहा है। इस वाक्य में एक से अधिक पद कर्ता का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि लड़का रो रहा है, वहाँ पर लड़का जो उस वाक्य का कर्ता है वो अकेला था। लेकिन इस दूसरे वाक्य में अनेक पद मिलकर उस कर्ता का काम कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस में रहने वाला लड़का, यहाँ पर ये पूरा समूह मिलकर कर्ता का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ रेखांकित वाक्यांश में लड़का मुख्य पद है और बाकी पद जो है
उस पद पर आश्रित है। बातें निम्नलिखित हैं। पदबंध वाक्य का एक अंश है, इसे पूरा वाक्य समझने की भूल कभी नहीं करनी है। दूसरी बात, पदबंध में एक से अधिक पदों का समावेश होता है, इसी कारण यह पदबंध कहलाते हैं। यह पद आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि एक व्याकरणिक इकाई का रूप ले लेते हैं। हर पदबंध में एक मुख्य पद होता है और बाकी पद उस पद पर आश्रित होते हैं। जैसे तालाब में सुंदर कमल खिले हैं, यहाँ पर कमल यह मुख्य पद हैं और बाकी के उसके आश्रित पद हैं। और आखिरी है, पदबंध का निर्धारण मुख्य पद के आधार पर होता है। यदि पदबंध का आखिरी पद संज्ञा पद है तो पूरा पद जो है वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। स्थिति इसी तरह की स्थिति अन्य प्रकार के पदों में भी बराबर होती स्थिति अन्य प्रकार के पदों में भी लागू होती है, चाहे वो सर्वनाम हो, विशेषण हो या क्रिया विशेषण हो। इसी पदबंध के कुछ भेद हैं, जैसे कि संज्ञा पदबंध। अब ये संज्ञा पदबंध क्या है, हम उदाहरण सहित उसकी जानकारी लेते हैं। संज्ञा पदबंध वाक्य में संज्ञा पदों की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबंध संज्ञा कहलाता है। जैसे कि सामने वाला मकान गिर पड़ा। अब देखो, सामने वाला मकान गिर पड़ा, यहाँ पर जो लाल रंग में लिखा हुआ है वहाँ पर मकान जो है वो संज्ञा है और सामने वाला उसके जो दो पद मिलकर वो मकान यानी संज्ञा का संज्ञा पदबद्ध का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जो रंगीन अक्षरों में छपे हुए पद हैं वो संज्ञा पदबद्ध के हैं। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, बगीचे में खिले हुए फूलों को देखकर मन प्रसन्न हो उठा। देखो बच्चों, यहाँ पर भी जो रंगीन पद है उसका आखिरी जो शब्द है पद है फूलों, ये क्या है तो संज्ञा है, तो इसीलिए ये मुख्य है। सब फूल यह मुख्य है, मकान यह मुख्य पद है और इसी तरह से बाकी उसके सब आश्रित पद है और इसीलिए जो रंगीन पूरा शब्द पद समूह है वह संज्ञा पदबद्ध का काम कर रहा है। अब हम और एक देखते हैं, दूसरा भेद, सर्वनाम पदबद्ध वाक्य में सर्वनाम पद का कार्य करने वाला पदबद्ध सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे अब देखो बच्चों, आप ध्यान से उस रंगीन शब्दों की तरफ आपको ध्यान देना है। शोर मचाने वाले तुम बाहर जाओ, यहाँ पर तुम जो है वो सर्वनाम है और वो मुख्य पद है, इसीलिए उसके साथ आश्रित है शोर मचाने वाले तुम। ये सब चारों पद मिलकर सर्वनाम पदबंध का काम कर रहे हैं, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध हैं। उसी तरह से नीचे और एक हैं, कानपुर से आए वे शाकाहारी हैं। तो यहाँ पर देखो, वे जो है वो सर्वनाम है और वे कौन, तो कानपुर से आए, उस वे को यानी सर्वनाम को दर्शाने का काम कर रहे, उसका आश्रित पद है, तो
तो इस तरह से ये तीनों पद मिलकर सर्वनाम पदबद्ध का काम कर रहे हैं, तो इस तरह से यह वाक्य भी सर्वनाम पदबद्ध का उदाहरण है। अब हम तीसरा भेद देखते हैं, विशेषण पदबद्ध। जो पद संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें विशेषण पदबद्ध कहते हैं। जैसे कि बच्चों देखो, सामने के दुकान पर चाय पीने वाला लड़का अपने घर चला गया। यहाँ पर जो रंगीन शब्द हैं, इस शब्द में सामने के दुकान पर चाय पीने वाला, यहाँ पर वाला तक जो रंगीन है उसके आगे लड़का शब्द लिखा हुआ है, यानी वो लड़के की उस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसीलिए वो पूरे पद जो है रंगीन, वो विशेषण पदबद्ध का काम कर रहे हैं। तो देखो, जहाँ पर वो रंगीन शब्द हुए उसके आगे तुरंत संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो तो वो उसका विशेषण बता रहा है। उसी तरह से मंदिर के पास लगा पौधा सूख गया है। अब जो रंगीन है उसके बाद तुरंत पौधा यह शब्द लिखा हुआ है, पौधा यह शब्द संज्ञा है और इसीलिए वो उसका विशेषण बता रहे हैं कि कैस कौन सा पौधा, तो मंदिर के पास लगा, तो इस तरह से वो पौधे की विशेषता बता रहा है, इसीलिए मंदिर के पास लगा यह जो पद समूह है वह विशेषण पदबद्ध का काम कर रहे हैं। आगे है हमारा चौथा, क्रिया पदबंध। अब क्रिया पदबंध यानी वह पद समूह जो वाक्य में क्रिया का काम करता है। जैसे कि रमा ने खाना खा लिया है, यहाँ पर खा लिया है यह क्रिया है, तो इस तरह से यहाँ पर वो खा लिया है यह पदबंध क्रिया हुई है। देखो, खा लिया यानी दो क्रियाएं यहाँ पर एक साथ आ गई हैं, तो ये खा लिया है क्रिया पदबद्ध हुआ है। गाड़ी चली आ रही है, तो चली आ रही है यह क्रिया पदबद्ध है, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्रियाएं एक साथ आ गई हैं, खा लिया है, चली आ रही है, तो इस तरह से जब दो क्रियाएं एक साथ आती है तो वो क्रिया की विशेषता बता रहा है कि रमा ने खाना खा लिया, लिया है खा और लिया है, गाड़ी चली आ रही है, तो इस तरह से यह क्रिया पदबंध हुआ। क्रिया विशेषण पदबंध यह हमारा पदबंध का पांचवा भेद है। उस वो इस तरह से वह वाक्यांश का पद समूह जो क्रिया विशेषण का काम करता है उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे कि बच्चों हमने देखा है कि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द क्रिया की क्रिया विशेषण होते हैं, तो ऐसा ही यहाँ पर है। जैसे कि देखो, वह दौड़ते दौड़ते थक गया। अब थक गया ये क्रिया है, लेकिन कैसे थक गया, तो दौड़ते दौड़ते, यह क्रिया के बारे में विशेष बताया करने वाले शब्द हैं, पद है, इसीलिए दौड़ते दौड़ते यह क्रिया विशेषण पदबद्ध है। आखिरी है गरिमा, पहले की अपेक्षा बहुत समझदार हो गई हैं। यहाँ पर पहले की अपेक्षा यह जो है वो क्रिया विशेषण पदबद्ध का काम कर रहा है, क्योंकि वो समझदार हो गई है, लेकिन कैसे, तो पहले की उस क्रिया के प्रति अधिक विशेषता दी है कि पहले की अपेक्षा, इसलिए वह क्रिया विशेषण पदबंध है। तो इस तरह से बच्चों हमारा यहाँ पर पदबंध का जो हमने उदाहरण सहित देखा है कि पदबंध किसे कहते हैं, पदबंध के कितने भेद होते हैं और उनकी पहचान हमें किस तरह से करवानी है, यही हमें
इस पाठ में हमने आज इस अध्ययन में सीखा है। तो बच्चों, इन दिए हुए उदाहरणों को अगर आपने ध्यान से पढ़ा और समझ लिया तो आपको भी यह पदबंध के भेदों की पहचान करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों, यहीं पर हमारा आज का पदबंध का पाठ जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।